Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अरवी बनाने की डिफरेंट रेसिपी. ये बहुत ही मज़े की बनी है, इतनी डिलीशियस बनी है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी बनाएं और बहुत ही मज़े की रेसिपी बने और सब आपकी बहुत तारीफ़ करें, तो आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देखिएगा. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अरवी को जो है वो छील लेना है और इसको इस तरह से काट लेना है, और इसमें जो है वो 1.5 चम्मच नमक शामिल कर देना है. ये छोटे चम्मच मैंने लिए थे, ये 1.5 डेढ़ चम्मच है वो मैंने इसको नमक शामिल कर दिया इसमें, और इसको जो है वो धो लेना है. अगर आप अरवी छीलने लगें तो सबसे पहले अपने हाथों को सरसों का तेल लगा लीजिएगा. उससे क्या होगा कि आपके हाथों में जलन बिल्कुल भी नहीं होगी. और फिर उनको छीलने के बाद इस तरह से काट लेना है, नमक लगा के इनको धो लेना है. अब पकाने का तरीका जो है वो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो है वो हम किसी भी बर्तन वगैरह में देखिए, जो भी जिसमें भी आप पकाना चाहते हैं या पकाते हैं, उसमें जो है वो मैंने एक बड़ा खाने का जो चम्मच होता है वो मैंने घी डाल दिया है. आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल. तो उसको सबसे पहले अच्छे से गर्म करेंगे. कोई भी चीज़, प्याज वगैरह या कुछ भी ऐड जब करना हो घी या ऑयल वगैरह में, तो मेक श्योर कि जो घी हो वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए. फिर इसमें जो है वो प्याज, मैंने एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है. इसका कलर किस तरह का होना चाहिए वो भी आप देख लीजिएगा. कलर जो है वो इसका बिल्कुल भी डार्क नहीं होना चाहिए, इवन ब्राउन भी नहीं करना है. जस्ट जिस तरह का मैं कलर बताऊँगी दिखाऊँगी आपको, आपने सेम वैसे ही रखना है. इससे कलर जो है वो अरबी में बहुत अच्छा आएगा. अगर प्याज का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा तो अरबी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा. तो इस तरह से फिर जब इस तरह का कलर हो जाए तो फिर इसमें अरवी जो है वो जिनको धो लिया था अच्छे तरीके से वो इसमें डाल देंगे. अब हमने इसको फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है वो इसको फ्राई करना है. इसमें बिल्कुल भी पानी जो है वो आपने ऐड नहीं करना है, और कहाँ जाके पानी ऐड करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी. तो इस तरह से 2 से 3 मिनट जो है वो अरवी को प्याज के साथ जो है वो इसी तरह से फ्राई करेंगे. प्याज को बस हल्का सा आप समझ लें कि सौते करना है, और इसमें इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना आपने. अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आप इन्जॉय कर सकें और आप मज़ीद कुकिंग के जो आइडियाज़ हैं वो सीख सकें, और आप ये भी सीख सकें कि आप किस तरह से घर में मज़े मज़े के खाने बना सकते हैं. तो इस तरह से 2-3 मिनट तक जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है, इवन 2 से 3 मिनट तक. और फिर इसमें जो है वो लहसुन पिसा हुआ, अदरक पिसा हुआ, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने 4 ली थी मीडियम साइज़ की, वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे. और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो है वो इसमें हम हल्दी, सुरख मिर्च और नमक ऐड कर देंगे. नमक जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया था, क्योंकि इसको धोते वक्त भी इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड किया था, तो इसलिए बाद में जो है वो आपने सिर्फ 1/2 टीस्पून जो नमक है वो इसमें ऐड करना है. और साथ में 1 टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च इसमें जाएगी, और 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें हल्दी जाएगी. और सारी चीज़ें इसमें डाल के जो है वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. और यहाँ पर भी पानी जो है वो ऐड नहीं करना है. मैंने अभी तक जो है वो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है. कहाँ पर ऐड करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी. 5 मिनट तक जो है वो इसकी बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह से बनाई करनी है. फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है आपने, अगर हाई फ्लेम होगी तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगी. तो इस तरह से 5 मिनट तक जो है वो इसकी अच्छे से बनाई करनी है. 5 मिनट बाद जो है वो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और मज़ीद 2 मिनट तक जो है वो इसकी अच्छे से बनाई करेंगे. और फिर 2 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद जो है वो इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे. अगर तो बड़ा ग्लास है जो मैं इस्तेमाल करूँगी, अगर सेम टू सेम वैसा है तो फिर आपने 1/2 ग्लास पानी इस्तेमाल करना है. लेकिन अगर आप दूसरा कोई छोटा ग्लास इस्तेमाल करें तो वो आपने 1 ग्लास पानी का जो है वो डाल देना है इसमें. मैंने ये वाला ग्लास जो है वो 1/2 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दिया है, और इसको एक दफ़ा मिक्स करके जो है वो इसको कवर कर देंगे और तब तक पकाएंगे कि जब तक इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और इस तरह की कंडीशन में ये आ जाए. मतलब इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये अच्छे तरीके से जो है वो गल चुकी हैं, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही हैं, और बहुत ही मज़े की डिलीशियस बनी हुई है. आप इसकी लुक देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें.
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।